गाइज हाई, वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूँ शाइनी। वेलकम बैक टू हैशटैग वोकल फॉर लोकल सीरीज, जहाँ मैं इंडियन लोकल ब्रांड्स को ट्राई आउट करती हूँ एंड उनके प्रोडक्ट्स के रिव्यू मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। और ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियोज नहीं होते हैं, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वही मैं शेयर करती हूँ, ताकि आप सबको हेल्प हो कि कौन से लोकल ब्रांड के कौन से प्रोडक्ट्स अच्छे हैं एंड कौन से प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं है। सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इन टू द वीडियो। आज मैं जिस ब्रांड के बारे में बात करूंगी वो है पिक्सल होम, और ये कोई स्किन केयर या मेकअप ब्रांड नहीं है। पिक्सल एक होम डेकोर ब्रांड है, जहां पर जैसे हम लोग माइक्रोवेव ओवन के जो ओवन मिटन्स है, फिर किचन एप्रॉन, डिश टॉवल्स वगैरह, या फिर बाथ टॉवल्स, या फिर होम डेकोर में जो सामान होते हैं जैसे सिटिंग एरिया, इतने सारे कुछ यू नो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके। तो मुझे काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगा उनके प्रोडक्ट्स, क्योंकि बहुत ज्यादा वाइब्रेंट एंड ब्राइट कलर्स में थे उनके किचन एप्रॉन्स, ओवन मिटन्स, बहुत सारे यू नो ऑप्शंस अवेलेबल थे। सो आई थॉट कि ओके, लेट्स ट्राई सम ऑफ देयर प्रोडक्ट्स। अलग अलग से कैटेगरी से मैंने प्रोडक्ट्स सिलेक्ट किया है ताकि आप सबको हेल्प हो। उनके जो भी प्रोडक्ट्स है अमेज़न पर एक्सक्लूसिवली अवेलेबल है, तो आप अमेज़न पर चेक कर सकते हैं, या फिर अगर लिंक चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइड किया है, डू चेक इट आउट। सो जो फर्स्ट प्रोडक्ट है एंड जो फेमस उनके ब्रांड के प्रोडक्ट है वो है किचन एप्रॉन। नाउ लेट मी टेल यू अ स्टोरी। आई वॉज सर्चिंग किचन एप्रॉन्स ऑन अमेजन, तो मैं अमेजन पर गई एंड आई वॉज सर्चिंग फॉर किचन एप्रॉन्स एंड आई वॉज सीइंग कि पिक्सल होम ब्रांड के ही कितने सारे किचन एप्रॉन्स है, कितने सारे डिजाइन्स के, अलग अलग कलर्स के। सो आई वॉज सो मच फैसिनेटेड। जैसे मैंने दो तीन किचन एप्रॉन्स उन लोगों के परचेज किए हैं, और सारी ही यू नो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन्स के हैं। सो फर्स्ट इज दिस रेड चेकर्ड किचन एप्रॉन। नाउ ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया है, क्योंकि इसमें कोई अगर ऑयल स्पिल या वाटर स्पिल होता है तो क्लीनिंग करना बहुत ही ज्यादा ईजी है। इसका मटीरियल काफी ज्यादा अच्छा है एंड द बेस्ट पार्ट इज कि इसमें एक इतना ज्यादा बड़ा यू नो फुल साइज पॉकेट है। कुकिंग के टाइम आप अपना फोन इस पॉकेट के अंदर रख सकते हैं एंड इसका जो फिट है वो ज्यादा मुझे पसंद आया है। पीछे आपको नॉट्स मिलेंगे इस तरीके से एंड सो मुझे ये काफी ज्यादा पसंद आया एंड इट्स वेरी यूनिसेक्स। एंड नेक्स्ट आई ट्राइड अनदर एप्रॉन, जो कि थोड़ा सा इसका जो चेक है वो थोड़ा सा मोटा चेक्स है एंड आई वॉज सर्चिंग फॉर समथिंग वेरी यू नो स्मॉल स्मॉल चेक्स, कुछ अलग मुझे चाहिए था। देन आई सॉ दिस वन, ये मुझे काफी ज्यादा पसंद आया है एंड ये जो चेक है इस प्रिंट के मैंने और दो खरीदे हैं, जैसे ये वाला ग्रीन कलर का है, दूसरा एक ब्लू कलर का है मेरे पास, और दूसरा मैंने ऑलरेडी एक रेड कलर का सोचा है ऑर्डर करना। सो आई थॉट कि ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ अपने लिए ही ये ऑर्डर कर रही हूँ, मैं अपने रिलेटिव्स को भी ये गिफ्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि दीज आर रियली वेरी यू नो गुड एंड इफेक्टिव गिफ्ट ऑप्शंस, क्योंकि ये अल्टीमेटली इस्तेमाल होंगे। ऑल्सो मैं यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट ऐड कर दूंगी, मैंने ऑलरेडी उसे ऑर्डर किया है तो वो अभी ट्रांजिट में है, अभी तक आया नहीं है मेरे पास। तो वो एक अलग से चेक पैटर्न में है और मुझे काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगा, बहुत ही ब्राइट एंड वाइब्रेंट कलर्स थे। आई ऑर्डर दिस कॉम्बो ऑल्सो, तो अगर कॉम्बो में आपको मिलता है फिर भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, सिंगल चाहिए फिर भी ऑर्डर कर सकते हैं। इट्स ओवरऑल इट्स वेरी अफोर्डेबल, सो एंड ऊपर से इंडियन ब्रांड है, सो वी आर सपोर्टिंग इंडियन ब्रांड्स ओनली बाय परचेजिंग these products। ऐसा ही सेम मेरे पास है एक ब्लू कलर में, इसका भी कलर काफी ज्यादा ब्राइट है, ब्लू एंड ब्लैक के चेक्स है, ऐसे ही सिमिलर चेक्स है एंड इसमें भी पॉकेट आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट आई वेंट फॉर ओवन मिटन्स, सो ये वाला ब्लू कलर का एप्रॉन के साथ ये ब्लू कलर के ओवन मिटन्स है। तो इसका जो मटेरियल है वो काफी अच्छा है, क्योंकि यू कैन सी कि यहाँ पर जो कुशनिंग है वो काफी ज्यादा मोटा है, थिक कुशनिंग है, जिसकी वजह से हीट ट्रांसफर इजीली नहीं होता एंड डेली बेसिस पर मैं इसको इस्तेमाल करती हूँ, इस रेड वाले एप्रॉन को और इस रेड वाले ओवन मिट को, इसके साथ मैचिंग है तो मैं करेंटली इसे इस्तेमाल कर रही हूँ एंड दीज आई एम थिंकिंग कि मैं बाद में इस्तेमाल करूंगी या फिर किसी को गिफ्ट भी कर सकती हूँ, क्योंकि इसका जो प्रिंट है वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव भी है और रेड कलर मुझे पर्सनली काफी ज्यादा पसंद है, दैट्स व्हाई मैं इसे अभी इस्तेमाल कर रही हूँ एंड इसका भी कुशनिंग जो है वो बहुत ही ज्यादा थिक है और हीट ट्रांसफर बिल्कुल भी नहीं होता, विच इज रियली गुड। और मेरे पास पहले भी बहुत सारे ओवन मिटन्स थे जो मैंने लोकल शॉप से परचेज किया था, लेकिन उसमें ना हीट ट्रांसफर होता है, तो अगर मैं केक बेक कर रही हूँ तो उस टाइम क्या है 40 मिनट्स या 35 मिनट्स तक रहता है ओवन में, तो बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाता है, तो
वाइल टेकिंग दैट आउट उस टाइम ना हीट ट्रांसफर हो जाता है उस ओवन मिटन को इस्तेमाल करके, लेकिन ये वाला मैंने देखा है कि इसमें हीट ट्रांसफर बिल्कुल भी नहीं होता एंड इसका जो फिटिंग है वो भी काफी ज्यादा अच्छा है क्योंकि माय हैंड्स आर नॉट दैट बिग, बट अगर आपके मेरे लिए थोड़ा सा ये ढीला होता है बट ये मेन के लिए भी इजिली ही फिट हो जाएगा क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा यू नो फिटिंग्स काफी अच्छा है इसका। सो दिस वन आई हैव ओवन मिटन इन रेड चेक्स, ये इसके साथ मैचिंग है। नेक्स्ट ये ब्लू वाला ब्लू एप्रॉन के साथ मैचिंग है। आई थॉट एक्चुअली ये काफी अच्छा गिफ्ट ऑप्शन रहेगा मैचिंग, इसलिए मैंने प्रेफर किया है। एंड नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं ये पूरा पैक्ड है अभी भी, ब्लैक एंड व्हाइट चेक्स में ऑर्डर किया था, इस यहाँ पर रेड एंड ब्लैक बॉर्डर्स थे। मैचिंग एप्रॉन अभी तक मैंने ऑर्डर नहीं किया बट लेट्स सी, ये भी काफी अच्छा मटेरियल मुझे लगा एंड इट लुक्स वेरी मच क्लासी ऑल्सो। नेक्स्ट मैंने ऑलरेडी ओवन मिटन्स ऑर्डर किए थे लेकिन उसके बाद मैंने देखा कि उनके ओवन मिटन्स के साथ पॉट होल्डर्स भी है, तो मुझे तो ट्राई करना ही था। सो आई वेंट फॉर दिस वेरी प्रिटी कलर, यू कैन सी ये पेस्टल ग्रीन एंड पेस्टल पिंक एंड पेस्टल येल्लो कलर में है। सो पेस्टल्स आर अ ट्रेंड नाउडेज, सो मुझे लगा कि एकदम स्टाइलिश सा पेस्टल वाला ओवन मिटन किचन एक्सेसरीज हो जाएगा। सो ये पॉट होल्डर भी काफी अच्छा है एंड ये यू नो इसका जो ओवन मिटन का जो मटेरियल है वो काफी थिक है, पॉट होल्डर का में भी कुशनिंग है लेकिन उतना ज्यादा थिक नहीं है एज कम्पेयर टू दिस वन, लेकिन पॉट होल्डर में उतना ज्यादा नहीं भी चाहिए हमें कुशनिंग क्योंकि वो फिर मोटा हो जाएगा। दिस वन इज रियली नाइस और इसका जो यू नो साइज है वो काफी अच्छा लगा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी था जो मैंने लोकल मार्केट से खरीदा था उसका साइज थोड़ा सा छोटा था एज कम्पेयर टू दिस वन, ये काफी अच्छा साइज है। नेक्स्ट अगेन आई बॉट दिस वन, ये इसका जो प्रिंट है वो काफी अच्छा लगा मुझे, फ्लावरी सा एंड एकदम ग्रे ग्रीन कलर में है तो ये भी काफी अच्छा लगा एंड इसे मैं डेली बेसिस पर इस्तेमाल कर रही हूँ, इसे तो फिलहाल मैंने रख दिया है क्योंकि इसका कलर मुझे काफी ज्यादा पसंद है एंड इट्स वेरी लाइट, सो मुझे ये बाद में मैं इस्तेमाल करूंगी। और ये भी काफी अच्छा है, इसका भी कुशनिंग बहुत ही ज्यादा मोटा है। सो ओवन मिटन्स आर रियली ऑफ गुड क्वालिटी और बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल रेट में आपको मिल जाएगा, इवन इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर दीज ये भी बहुत ही अफोर्डेबल है। सो नेक्स्ट आई सॉ कि उनके और भी काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि यू नो मसलिन क्लॉथ्स, तो मसलिन क्लॉथ्स कॉटन में रेफ्रिजरेटर में कुछ भी स्टोर करना है जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स तो हम लोग उसके अंदर रख के स्टोर कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा बेटर ऑप्शन है एज कम्पेयर टू प्लास्टिक्स, क्योंकि मैं प्लास्टिक इस्तेमाल करना कभी भी रिकमेंड भी नहीं करूंगी, मैं खुद भी उसे नहीं प्रेफर करती। आई सॉ कि उनके कुछ सेट्स हैं मसलिन क्लॉथ के और वो काफी अफोर्डेबल रेट में भी मुझे मिल रहा था एंड अलग अलग से साइजेस है तो वो सबसे बेस्ट पार्ट लगा मुझे। ये है सबसे छोटा वाला साइज, यू कैन सी कि ये एकदम यू नो काइंड ऑफ स्क्वायर फॉर्म में है और उसके बाद थोड़ा सा बड़ा है एंड देन अगेन अ बिगर वन और जो सबसे बड़ा है वो ये वाला है। तो डेली बेसिस पर हम लोग इन क्लॉथ्स को तो अभी इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिए हैं एंड इसका भी मटेरियल काफी सॉफ्ट है, कॉटन है, एकदम मसलीन मटेरियल है, ऑब्वियसली द क्वालिटी इज सुपर। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस डिश क्लॉथ, बेसिकली मैंने इन्हें देखा ये सेट ऑफ 10 थे तो आई थॉट ओके लेट्स ट्राई दिस वन ऑल्सो क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है, जरूरत पड़ती ही रहती है। आई वॉजंट एक्सपेक्टिंग कि ये इतना बड़ा आएगा लेकिन ये जो डिश क्लॉथ की साइज है वो काफी ज्यादा बड़ा है क्योंकि हम लोगों के पास थे जो नॉर्मली होते हैं वो एकदम हैंकी की तरह उनका साइज होता है लेकिन ये इससे डबल भी है, उससे भी ज्यादा है। सो दैट्स द बेस्ट थिंग, मुझे ये तो हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत यू नो तरीके से इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया है, कभी अगर आपने ऑयलिंग की है, हेवी ऑयलिंग की है तो पिलो में अगर आप सोएंगे तो वो पिलो अब्सॉर्ब कर लेता है एंड थोड़ा सा दाग भी हो जाता है तो आप इनको पिलोस के ऊपर रख के फिर सो सकते हैं। तो इससे क्या है, इस पे जो भी स्टेन होगा वो होगा लेकिन पिलो पे कोई स्टेन नहीं होगा, इसका भी मटेरियल वैसा ही है, इट्स वेरी वॉशेबल ऑल्सो। नाउ आई सॉ कि उनके बहुत सारे टेबल क्लॉथ्स है, ऐसे रेक्टेंगुलर टेबल क्लॉथ्स है तो मुझे एक चाहिए था, सो आई ऑर्डर्ड वन एंड आई वॉज सो मच सरप्राइज एंड इम्प्रेस्ड ऑल्सो विद द टेबल क्लॉथ क्योंकि उसका जो लेंथ है वो सिंगल बेडशीट से भी ज्यादा उसका लेंथ है, उसका साइज मैंने अपने बेडशीट पे उसे बिछाया था जो कि सिंगल से भी थोड़ा सा बड़ा है, सिंगल बेडशीट से बड़ा है एंड डबल से थोड़ा सा छोटा है।
तो ये पूरा कवर कर लिया था एंड इट वॉज लुकिंग एज इफ इट्स अ बेडशीट ओनली। और इसका भी मटेरियल जो है वो थोड़ा सा थिक मटेरियल है, प्रिंट भी काफी अच्छा है, ब्राइट कलर्स है। सो दिस वन ऑल्सो इज अ स्टील डील। आपके अगर बहुत ही बड़ा डाइनिंग टेबल है, जो मेरे घर में नहीं है, इतने लोग मेरे घर में नहीं है, लेकिन अगर आपके ज्वाइंट फैमिली है देन बड़े डाइनिंग टेबल पर भी ये काफी अच्छा लगेगा। ओके सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई हैव दिस कुर्ती जो कि उनके न्यू लॉन्चेस में से एक है। तो इसका कलर मुझे काफी ज्यादा प्रिटी लगा है और इसका मटेरियल भी काफी सॉफ्ट मटेरियल है। ये एक रेयॉन कुर्ती है और इसमें 3 कलर ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, जिसमें से मैंने पिंक कलर चूज किया है। बट एक्चुअली में ये पिंक कलर नहीं है, ये पीच कलर है। इसमें ग्रे है, टील ब्लू और टील ग्रीन ऐसा ही कलर भी है। सो दिस इज द कुर्ती एंड मैंने यहाँ पर एल साइज ऑर्डर किया था क्योंकि मुझे साइज लगा कि थोड़ा सा बड़ा ही ऑर्डर करते हैं। अगर साइज इश्यूज हो सकते हैं तो आई कैन ऑल्टर। तो आप लोग देख सकते हैं सिंपल एक कुर्ती है लेकिन इसमें व्हाइट कलर के डिजाइंस है, प्रिंट्स है, बहुत ही सॉफ्ट है। इसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। और गाइस मैं अगेन बोल रही हूँ ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैंने बहुत सारी शॉपिंग की है इस ब्रांड से और मुझे लगा कि चलो वोकल हैशटैग वोकल फॉर लोकल में मैं शेयर भी कर सकती हूँ आप लोगों के साथ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय।